गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग एवरीवन। चाय पिए? सुबह सुबह फोन चलाया जा रहा है और चाय पी जा रही है माता जी की। ठंड कितनी है आज। हम कश्मीर में रहते हैं ना, बाहर का व्यू दिखा दिया ना आप लोगों को, भी ठंड लगने लगेगी, इतना कोहरा है आज। हाँ, बहुत हाँ, ज्यादा ठंड हो रही है। और हम इतनी जल्दी क्यों उठे हैं सुबह के 6:30 6:30 बजे, हम क्यों उठे हैं इतनी जल्दी भैया। आज सोना देती मुझे, आदत खराब हो जाए आदत खराब हो जाए। फिर रोज सोना पड़ेगा, रोज रोज सोएगी। आप सर्दियों सोना देख लो, कोई बस बात नहीं, टेंस आउट हो। आतंक आपने चल काम थोड़ा बहुत करके जा रहे हो, ऐसा होता है आतंकवादी कुछ नहीं। घोषित कर दिया जाएगा तुम्हें अगर तुमने मुझे कल से इतनी जल्दी उठाया तो। नहीं, आतंकवादी। वो तो टेंस है, देखो चाय, एक चीज और वो देखो, तो चाय और चाय लेके मेरे कमरे में ही बैठी जिससे मैं उठ जाऊं। नहीं तो बैठी हूँ। जैसे भाई मैं इसे चाय लेकर आई हूँ तो यू भी उठेगी, जब मैं बैठी हूँ तो यू ना पिएगी, हाँ, ठंडी हो जाएगी, गर्म गर्म चाय पी अगर तुमने जाएगा। कल को मुझे उठाया तो तुम आतंकवादी घोषित कर दी नहीं ऐसा कर दो जाओगी। तुम आओगी जरूर, कब्जे कमरे में कब्जा कर लोगी। आदत खराब हो जाएगी, फिर देर तक सोना पड़ेगा। हो जाने तो आदत खराब, आदत सुधर नहीं जाएगी जब नहीं 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 सुधरेगी। नहीं फिर नहीं, ससुराल में कह गई हूँ, फिर मारा तुझे बस क्या चलो ससुराल ससुराल, मुझे इस टॉपिक पे बात नहीं मत करो, चलो ये तो बात करनी। सही है ना, बेटा उठा सही रह रहा है, जब बढ़िया। ससुराल जाएंगे, जब सुधर जाएंगे, कल को मैं 7 बजे से पहले 8 बजे से पहले उठूंगी नहीं। 6 बजे का अलार्म है, 8 बजे से पहले नहीं अलार्म उठूंगी। बात तो सुन, 6 बजे का अलार्म है तो 6 बजे का अलार्म, चल सवा 2-4 मिनट में हो जाएंगे हम। वह 6 बजे 6:15 हो जाओ, बस इतना तो बहुत है, इतना चाय बन जाओ अपना, उठ जाओ, बहुत है, उठ के अपना कुछ भी करो या बैठे रहो रहना। टाटा बाय। चलो टाटा बाय, परेशान होगी मेरे उससे। ये कहीं जाने वाली है हाँ ना, तैयार तो हो जाओ अब चाय पी के फटाफट। तरफ चाय वाय पी रहे हैं तो थोड़ी देर में जाएंगे। हे एवरीवन, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब लोग? इतना सारा कचरा देख के आप लोग सोच रहे होंगे अंशु कहाँ कचरे के ढेर में आ गई। तो ये जो है धीरे धीरे करके इतना सारा कचरा इकट्ठा हो गया, अब दिखता नहीं था क्योंकि ये पुरानी वाली रसोई में रखे हुए थे ना ये सब चीजें, तो दिखती नहीं थी। तो ये हमने खाली कर दिया क्योंकि हम बहुत जल्दी मकान बनाने वाले हैं, मतलब पुराने वाला घर को बहुत जल्दी बनाएंगे। तो पीछे आप लोगों को सामान दिख रहा होगा वो है लोहे का, और ये आगे जो आप लोगों को दिख रहा है ये ऐसा है कि कूलर आया तो कूलर का डिब्बा जाके पीछे रख दिया। ऐसे कर करके इतना सारा सामान इकट्ठा हो गया है, ये सारा सामान हमने रद्दी वाले भैया को दे दिया है। फिर ये है कि जो भी हमारा पुराना फर्नीचर है, हम कोशिश कर रहे हैं कि हम उसे ठीक करवा सकें जिससे वो रखा हुआ भी अच्छा लगे और थोड़ा लंबे टाइम तक चले, क्योंकि अगर ऐसे वो ऊपर वाला बेड ना बहुत ज़्यादा ख़राब हो रहा था, लचर पचर हो रहा था, मतलब बेड तो के साथ ही लचर पचर था। तो वो वाला बेड भी ठीक करवा रहे हैं। और यहाँ पे मैं बना रही हूँ चाय, आप लोगों को मैं घर में अकेली अकेली सी दिख रही होंगी, कोई भी नहीं दिख रहा, और क्योंकि यहाँ पे कोई है भी नहीं, सिर्फ मैं ही हूँ अकेली, मम्मी पापा घर पर नहीं है, क्योंकि जो मेरी ताई जी हैं नितेश भैया की मम्मी, आप लोगों ने देखी थी मेरी कुछ दिन 2-3 वीडियो में वो आई हुई हैं, उनकी जो है थोड़ी तबीयत खराब है तो वो जो है एडमिट है हॉस्पिटल में, तो मम्मी पापा उन्हें ही देखने के लिए गए हैं। तो मैं आप लोगों को सोच रहे हो इतनी सारी चाय अंशु किसके लिए बना रहे जब कोई नहीं है, तो मिस्त्री लोग तो है ना जो काम कर रहे हैं उनके लिए बना रही हूँ। और मैंने जो है नाश्ते में मंगवाए हुए हैं ब्रेड पकौड़े, मैंने जो है मार्केट से ही मंगवाए हैं, खुद नहीं बनाए हैं, तो अपने लिए भी हैं और उन सब लोगों के लिए भी हैं, तो उन लोगों का भी नाश्ता हो जाएगा और मेरा भी नाश्ता हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे खड़े हुए उन्हें आवाज़ मार रही थी कि भाई आ जाओ आ जाओ, क्योंकि तीसरी मंजिल पे वो लोग काम कर रहे थे, वहाँ पे मेरे बस के जाना नहीं है। मैंने आप लोग को बताया था ना कि मैं गिर गई थी तो मेरी कमर में ना बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है, मतलब मुझ पर सोया भी नहीं जाता, इतना ज़्यादा पेन हो रहा है मेरे, रात को दवाई खा के मूव लगा के ऐसे ऐसे करके मैं सोती हूँ। तो ये है मेरे ब्रेड पकौड़ा, आप लोग भी खा लीजिए, सुबह का नाश्ता यही होता है मेरा। ये है मेरा नाश्ता, आप लोग भी खा लीजिए, चाय के साथ ब्रेड पकोड़ा, मजा आएगा। काफी यम्मी लग रहा है देखने में, तो खा के पता चलेगा कैसा है, आप लोग भी आ जाइए।
और पता है नाश्ता भी हो गया मेरा, और आप लोग सोच रहे होंगे ये बेड का एक ही गद्दा क्यों बिछाया हुआ है मैंने। असल में क्या हुआ था, रात सिर्फ मैंने एक ही गद्दा बिछाया मैंने, जिससे दोनों तरफ जो है ना सोने में परेशानी नहीं हो और थोड़ा सूख भी जाए। इधर की तरफ थोड़ा थोड़ा गीला सा था, तो मैंने एक ही गद्दा बिछाया है यहाँ पे। और अभी मेरी वीडियो गई है, बड़ी सर्दी हो रही है, मतलब इतनी सर्दी हो रही है, बहुत ज्यादा सर्दी हो रही है, धूप भी नहीं निकली है। और दूसरे कमरे में जो ये अलमारी थी जो मैं आप लोगों को कल दिखा रही थी ना, इस पे पेंट हो गया और ये सूखी नहीं है। इसे सुखाने के लिए तूफान पंखा चलाया हुआ है, देखो तूफान पंखा चलाया हुआ है इसे सुखाने के लिए। इसे देख देख के मुझे और भी ज्यादा सर्दी लग रही है, बहुत ज्यादा सर्दी लग रही है इसे पंखे की हवा से। और वो मैं दूसरे कमरे में बैठी हूँ। टाइगर बिल्कुल जीना हराम कर दिया तूने मेरा, पागल सा। धूप तो निकल नहीं रही, इसे कभी बाहर जाना है, कभी अंदर जाना है, कभी बाहर जाना है, कभी अंदर जाना है। इसका मानसिक संतुलन हिल चुका है, क्योंकि घर पे मैं अकेली हूं और मुझे फिर तो चारों तरफ देखना पड़ रहा है ये, और बिना पता लग मुझे गुस्सा दिवा रहा है। वहां बैठ, अब उठ मत जाइए अभी वहां से, डरा मुझसे भी नहीं, मैं डरता नहीं। ये गेट वेट सब कंप्लीट हो गया, आप लोगों को दिखाऊंगी अभी, देखो सब कंप्लीट हो गए हैं। यहाँ से अच्छे से ना दिख रहा इस व्यू वाला, क्या अच्छा दिख रहा। टाइगर इन्हें सबको फिट बना देगा, टाइगर सब कल्याण करेगा इनका। अब वो लड़का गया ऊपर वाला ना है, चल जा रहा हूँ। पेंट वाले गए, यही है सब काम कर रहे हैं। वो ना सूखी ना अलमारी, ना सूखी अभी तक। तो मैं जो है यहाँ पे शाम की चाय बना रही थी, और चाय के साथ मैंने बनाए हुए हैं पॉपकॉर्न। वैसे मैंने मम्मी पापा से खाने के लिए भी पूछा था, लेकिन वो लोग बाहर से खाना खा के आए हैं, तो वो लोग खाना नहीं खाएंगे, सिर्फ चाय ही पियेंगे, क्योंकि इतनी ज़्यादा सर्दी हो रही है। और मेरी ताई जी जो है पहले से अब ठीक हैं। असल में क्या हुआ था, वो ऐसा नहीं था कि वो बीमार थी ही, वो अचानक से ही बीमार हुई थी और अचानक से ही उन्हें हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ा। उनकी तबीयत एकदम से ख़राब हो गई थी, और जाना तो मैं भी चाहती थी मम्मी पापा के पास साथ उनके देखने के लिए, लेकिन मैं नहीं जा सकी, क्योंकि सब लोग घर पे रहते हैं ना, तो मिस्त्री लोग भी रहते हैं, तो ऐसे घर नहीं छोड़ा जा सकता ना, तो इसी वजह से मैं घर पे ही रह गई थी। और ज़िंदगी में कुछ पता नहीं होता, अब क्या है दूसरे पल क्या हो जाए, सच में कुछ नहीं पता होता ज़िंदगी का। और यहाँ पे जो है मैं आप लोगों को गेट दिखा रही थी, आप लोग देख लीजिए इस पे जो है ये डिज़ाइन बना हुआ है। कल मुझसे कुछ ऐसे कुछ कमेंट आ रहे थे गेट वेट को लेके, तो मैं दोबारा से दिखा रही हूँ आप लोगों को। कल जो है सिर्फ पेंट हुआ था, अब जो है इसमें ये डिज़ाइन भी बन गया है लकड़ी में, और ये डिज़ाइन जो है ना गीला होता है, तो इसी वजह से सफाई नहीं हो रही है। पूरा एक दो दिन लगेगा उसे सूखने के लिए, फिर जाकर क्लीनिंग स्टार्ट होगी। देखो तो सही, तो मैं ना तैयार करनी तो वैसे ही मना कर दूं। हाँ मैं क्यों ले लूं, तैयार करी हुई साड़ी बेड में रख दी, बहुत अच्छे। ये रेडी तो साड़ी करती नहीं है ये इन्हें। अब हम दोनों जा रहे हैं टेलर के, नाश्ता वास्ता इन्होंने कर लिया, मतलब पॉपकॉर्न खाए हैं चाय के साथ। बहुत ज्यादा सर्दी हो, इसमें सिर्फ मेरे कपड़े हैं प्रेस करे हुए। मेरी कौन है भाई, मुझे क्या पता तुम्हारी साड़ी कहाँ है, अपने वाले खन्ने में देखो ना, मेरा खन्ना है।
मम्मी तो ये लोचा किस किस के घर में है कि चीजें मिल जाएं तो मैंने रखी हैं, चीजें ना मिले तो चीनू ने रखी हैं। ये मम्मी का सबसे बड़ा हिसाब है। मम्मी मम्मी का सबसे बड़ा फंडा यही है, चीजें मिल जाएं तो मैंने रखी हैं, चीजें ना मिले तो जो जल्दी मिल जाता वो मैंने रखी, जो ना मिले वो चीनू ने रखी है। देखो कहाँ है, मिल गई, अभी मैंने ढूंढ के दिया। मम्मी तुम्हारा साड़ी तैयार करने का मन क्यों ना करता? मैं बहुत साड़ी तैयार, तो फिर तुम क्यों ना, तुम्हारा मन ही ना करता तैयार करने का? दुनिया नई नई यही वाली तैयार करनी है, यही वाली। हाँ, इस वाली को भी बाहर निकाल लो जब मोहम्मदपुर जाएंगे। हाँ रख दो, अब वाली साड़ी खोल कर दिखाओ सबको, जो उनसे हम तैयार करवाने के लिए लेके जा रहे हैं। दुनिया मरी जावे कि हमें साड़ी चाहिए, हमें साड़ी चाहिए, और हमारी मम्मी मुझे नहीं चाहिए है? बड़े लग रहे हैं, ये वाली साड़ी मैंने मम्मी को दिवाई थी, अभी बढ़िया लगेगी तुम भाई। तब तैयार क्यों ना करती हो, हमेशा इसे पीछे को रख दो क्या भाई? कुछ नहीं, फोल वोल लगाने को वहीं दिए, यहाँ मत लियो, तुम्हारी वैसी आंखों में परेशानी रहे, वे अपने आप लगा कर दे देंगी। चलो साड़ी तो रख दो। हाँ रख दो इसे, सेहत में बहुत सारी साड़ी रखे तो हम लोग टेलर के से आ गए थे, मम्मी को ना बड़ी जबरदस्ती करके साड़ी तैयार करनी वानी पड़ती है, लेकिन पता नहीं क्यों मानती नहीं है साड़ी तैयार करने के लिए, उन्हें वे ऐसी करते रहते हैं, बाद में करूंगी ऐसे करते रहती हैं। तो यहाँ पे जो है ये मेरा रात का खाना है, मैं खाना खाने के लिए जा रही थी और मैंने आप लोगों को रात बाय ही नहीं किया, तो मैं अब बोल देती हूँ बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, मिलती हूँ नेक्स्ट।